एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हम करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए, यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। टूरिज्म के दृष्टि से हम एक कॉर्पस फंड 2,000 करोड़ रुपए का बनाएंगे और उसमें हम टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, राइट फ्रॉम टूरिस्ट फैसिलिटी से लेकर के टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों की स्किल ट्रेनिंग से लेकर के टूरिज्म के स्कोप को बढ़ाते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी इम्प्लॉयमेंट 5 लाख यूथ को मिल सके थ्रू टूरिज्म, इस बात को भी हम प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ एम्स की तर्ज पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तर्ज पर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर हर डिवीजन में एक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये हर डिवीजन में खोला जाएगा। और इसके साथ साथ हम 2.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स यूथ के लिए इस स्टेट में 5 साल में मुहैया कराएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे, ये बात भी हम आपको बताना चाहते हैं।